हम लोग कल उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे और उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे थे। देखिए, कल मैंने एक शतानी सॉरी रेवा नदी का चर्चा किया था। रेवा नदी ध्यान में होगा, रेवा नदी का चर्चा किया था। रेवा नदी नर्मदा को कहा जाता है। यह शायद मैंने आपको अथर्व वेद के अनुसार बोल दिया था। इसको आप लोग थोड़ा सा इस शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी को रेवा नदी का चर्चा किया गया है, जिसकी पहचान नर्मदा नदी से किया गया है। एक चीज, यह महाभारत का युद्ध जो है, जो मैंने बताया था, महाभारत का युद्ध यह कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। यह कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि यूनेस्को का नाम सुने होंगे आप लोग। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कॉपरेशन साइंटिफिक कॉपरेशन, ये करके इसका पूरा फुल नेम है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। तो यह जो है ऋग्वेद को एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर होता है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर होता है, उसमें ऋग्वेद को शामिल किया गया है। 2007 में ही यूनेस्को ने इसको शामिल किया था। कहने का अर्थ यह है कि ऋग्वेद को का जो रक्षा है, जो उसके कागजात हैं, वह सुरक्षित रखा जाए, वह नष्ट नहीं हो जाए। ये यूनेस्को ने ही 2007 में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको ऋग्वेद को शामिल कर लिया। यह कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल का राजत्व का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत, देखिए, पहले ऋग्वेद काल में राजा किस चीज का था? जन का। जन माने कबीला या लोगों का समूह, या लोगों का समूह का राजा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर जनपद हो, अब क्षेत्र का बात किया जाने लगा। राजा किस चीज का हो गया? जन का नहीं, क्षेत्र का राजा हो गया। यह आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इस समय राजा जो है काफी शक्तिशाली हो गया। राजा शक्तिशाली हो गया। राजा अथर्ववेद में अपने को विषमत्ता कहता है, अर्थात मैं जनता का भक्षण कर सकता हूं, अर्थात मैं जनता का भक्षण कर सकता हूं। राजा इसलिए शक्तिशाली हुआ क्योंकि अब राजा के लोहा आ गया और इस लोहा ने नए नए क्षेत्र को बसने में मदद किया, नए नए क्षेत्र को बसने में मदद किया। और इस नए क्षेत्र को बसाने की बात हुई, अब वहां पर जो राजन्य वर्ग था, ऋग्वैदिक काल का जो राजन्य वर्ग था, वह इस काल में क्षत्रिय के रूप में आया। क्षत्रिय का अर्थ हो गया, क्षत्र माने होता है अधिकार। अधिकार किस चीज पर? अधिकार जो नए क्षेत्र पर जो अधिकार किया गया और वहां पर लोगों को लाया गया। और अब क्योंकि नए क्षेत्र का विस्तार करना था और अपने आप को शक्तिशाली करना था, तो पुरोहित और
राजन ने जो है मिल गए और उन लोगों ने जो है वैश्य पर कर का बोझ डाल दिया, कर का बोझ डाल दिया, वैश्य को बलिकृत कहा गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैश्य की महर्षि पर, आप कह सकते हैं कि वैश्य की महर्षि पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपने आप को काफी तेज एकता का परिचय दिया और काफी विकास किया। अब राजा को देवीय देवता से जोड़ दिया, मतलब देवता उसका नियुक्त करते थे। अब कौन राजा को नियुक्त करता था? देवता। और इस काम में उनकी मदद कौन करता था? पुरोहित। पुरोहित को बदले में क्या मिलता था? ढेर सारा दक्षिणा, ढेर सारा दक्षिणा। अब जो है शतपथ ब्राह्मण में देखिएगा कि विभिन्न क्षेत्र के लिए राजा का जो टाइटल होता था वो अलग अलग होने लग गया। जैसे शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, जैसे अगर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और ये हो गया मध्य, बीच में मध्य हो गया। जो पूर्व का राजा है वो सम्राट कहलाता था, पश्चिम का राजा स्वराट कहलाता था, उत्तर का राजा भोज कहलाता था और दक्षिण का राजा वैराज कहलाता था या विराट भी कभी कभी, और मध्य देश का राजा सम्राट राजा कहलाता था। या विभिन्न क्षेत्रों के राजा के नाम होते थे। इतने ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का वर्णन है। इतने ब्राह्मण से आप लोग समझ गए होंगे कि यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इतने ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का वर्णन का सिद्धांत है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इतने ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति का वर्णन है, मतलब राजा जो है अब देवता के द्वारा नियुक्त किया गया है, अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। यह सब मुख्य परीक्षा का इसलिए पाठ्यक्रम है, यहाँ पर आपको समान अध्ययन में प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अब राजा इस समय राजतंत्र था और कुछ गैर राजतंत्र भी थे, गणतंत्र भी जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं के बराबर राजतंत्र ही था। राजतंत्र था और राजा को राजकाज चलाने के लिए 12 व्यक्ति जो है वो मदद करते थे, अधिकारी होते थे। इसकी पूरी सूची शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। और इन अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नीन कहा जाता था। अब कौन कौन अधिकारी होते थे तो वह हम लोग देख ले। सबसे पहला पुरोहित, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता था, राजा का सलाहकार होता था। दूसरा सेनानी, सेनानी जो है वो युद्ध में नेतृत्व करता था, युद्ध में नेतृत्व करता था। युवराज, युवराज जो है वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। महिषी, महिषी जो है वह राजा की प्रधान रानी होती थी। छत्री या प्रतिहारी, ये द्वारपाल होता था। सूत, ये जो है आपका रथ चलाने वाला होता था। ग्रामनी,
गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया होता था। अक्षवाप, पासा के खेल में राजा का सहयोगी होता था। पासा के खेल में राजा का सहयोगी। गोवी कर्तन, ये जो था शिकार जब राजा करने जाते थे तो उस समय यह राजा के साथ चलता था। और एक होता था पालागल। पालागल यह राजा का विदुषक विद्वान दोस्त होता था। ये कुल मिला के 12 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह कुल मिला के आपका 12 है। एक मिनट, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कौन छूट गया? अच्छा हाँ, संहृत्री। संहृत्री या कोषाध्यक्ष होता था। और भागदूत या टैक्स कर वसूलने वाला होता था। संहृत्री कोषाध्यक्ष होता था और भागदूत कर वसूलने वाला होता था। कुल मिला के यह 12 अधिकारी होते थे। इसमें जो 2 अधिकारी होते थे वह जो है करती कहे गए हैं। करती मतलब राजा बनाने वाले। कौन कौन है 2 अधिकारी? तो सुत और ग्रामी, ये 2 जो है आपको करती कहलाते हैं। यह पूरा शतपथ ब्राह्मण में 12 अधिकारियों की चर्चा किया गया है। इस समय राजपथ का दैवीयकरण किया गया और इस दैवीयकरण करने के लिए भव्य भव्य जो है यज्ञ का महायज्ञ, इसको महायज्ञ कहा गया। भव्य भव्य महायज्ञ किए गए, जैसे कि राजस्वी यज्ञ। राजस्वी यज्ञ, इस यज्ञ की चर्चा इतने ब्राह्मण में है और यह 1 वर्ष तक चलता था राज्याभिषेक के बाद। और राजा रथनीन के घर जाके भोजन करता था। राजा क्या करता था? रथनीन के घर जाके भोजन करता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ में होता था कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और 1 साल तक घोड़ा विचरण करता रहता था। और उस विचरण करने के बाद वह जो है वापस राज्य में आता था तो फिर उसको 3 दिन तक अश्वमेध यज्ञ चलता था और अंतिम में उस घोड़ा की बलि दे दी जाती थी। यही था आपका अश्वमेध यज्ञ। महात्मा बुद्ध इसको काफी डिनाई करते थे और इसके कहने पर अश्वमेध यज्ञ कुछ दिन तक रुक गया था। उसके बाद वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो है वह 17 दिन तक चलता था और उसमें क्या होता था? राजा का रथ और रथनी का रथ एक साथ चलता था, लेकिन राजा का रथ आगे होता था, अर्थात राजा को शक्तिशाली इसमें दिखाया जाता था। एक है पुरुषमेध यज्ञ। इस यज्ञ की खासियत क्या है कि सबसे ज्यादा यज्ञ उप जो है 25 जो है यज्ञ उप होता था सबसे, इसलिए इसका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा यूप या यज्ञ की वेली है, वेदी है वो किसमें है? तो पुरुषमेध यज्ञ में है, 25 है, 25 है। आपको ये ध्यान देना होगा। एक है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें राजा जो है सोमरस पीता था। राजा क्या पीता था? सोमरस पीता था और पशु बलि की आहुति दी जाती थी। पशु बलि की आहुति दी जाती थी और फिर राजा से यह उम्मीद किया जाता था कि 1 वर्ष तक वह अपनी रानी के साथ सात्विक जीवन व्यतीत करे।
इसमें यह था कि या इस यज्ञ करने के बाद एक ऐसा नाव है जो उसको पाप से मुक्त करेगा और सीधे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। अग्निष्टोम यज्ञ का यही महत्व था। और एक है सत्रामणि यज्ञ, इसमें इस यज्ञ में सूरा माने आप श्राप भी कह सकते हैं, और प्लस पशु की बलि दी जाती थी। ये पांच प्रकार के यज्ञ होते थे। वाजपेयी शक्ति का प्रदर्शन था, राजसूय यज्ञ जो है राज्याभिषेक के अवसर पर होता था, अश्वमेध यज्ञ जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री बताता था, शो करता था, सबसे ज्यादा यूप या यज्ञवेदी किसमें था तो पुरुषमेध में था। यही आपसे तीन चार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप लोग को यहाँ पर ये सब ध्यान रखना होगा। ये सब यज्ञ करने से प्रभूत मात्रा में पुरोहितों को दक्षिणा मिलता था। मैं आगे बताऊंगा धर्म और दर्शन में दक्षिणा का अमाउंट क्या था। यहीं से एक बात चला, पुरोहितों को देवांश और भोगांश, पुरोहित जो टैक्स लिए जाते थे उसमें बहुत बड़ा हिस्सा देवांश के रूप में पुरोहितों के पास चला जाता था और भोगांश के रूप में क्षत्रिय के पास रहता था। और इसका सारा भाग किस पर पड़ा तो वैश्य वर्ग पर। और शूद्र का जो है श्रमिक के रूप में एक विशाल आप कह सकते हैं मानव संसाधन के रूप में इसका विशाल श्रमिक एक विशाल जनसमूह के रूप में इसका उपयोग उत्पादन कार्य में किया गया राज की आय को बढ़ाने के लिए। यह सब मुख्य परीक्षा के लिए है, यहां पर यह सब आपकी आवश्यकता का चीज नहीं है। बस ये जान लीजिए कि पूरा जो कर भार है वह वैश्य वर्ग पर आ गया उसका, और क्योंकि अथर्ववेद में राजा अपने आप को विश्वत्ता भी कहता है, बलिकृत शब्द का प्रयोग आया है, ये सब यहां पर आपको थोड़ा देखना होगा। इस समय आप देखिएगा ऋग्वेद काल हम पढ़ा रहे थे तो हमने चर्चा किया था सभा समिति विद्वत और गण का, ये तीन जो है ये सभी जो है प्राचीन कवायली संस्था थी और धार्मिक सैनिक और विचारात्मक निर्णय लेती थी समिति जो ऋग्वेद काल में राजा पर नियंत्रण रखती थी उसके चुनाव पर, वह अब यहां पर महत्वहीन हो गई। विदत समाप्त हो गया इस काल में। समिति नाम मात्र का था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका काम अब राजा पर नियंत्रण करना नहीं था, राजा को सहयोग प्रदान करना था। अब राजा पर नियंत्रण नहीं करता था, वह राजा का सहयोग करता था। सभा इस काल में इंपॉर्टेंट हुआ, और अथर्ववेद में सभा के सदस्यों को नरिष्ठा भी कहा गया। अर्थात वृद्ध लोगों की सभा। मैंने पढ़ाया था ऋग्वेद काल में कि सभा में महिलाओं को प्रवेश करने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब महिलाओं को यहां पर प्रवेश बंद कर दिया गया, और इसके जगह पर योद्धा और पुरोहित यहां पर आके अपना स्थान मजबूत कर लिया, सभा पर लोगों ने कब्जा कर लिया, विदर्त समाप्ति हो गया, और गणतंत्र का बहुत कम यहां पर आपको चर्चा मिलेगा। राजा का पद जो था वह अनुवांशिक था, और ज्येष्ठाधिकार का नियम का सबसे बड़ा जो पुत्र होता था यह पालन किया जाता था। लेकिन जो महाभारत की लड़ाई है वो आपको बताता है कि सत्ता के लिए रिश्तेदारी महत्व नहीं रखता है,
महाभारत का युद्ध यह हमें बताता है कि सत्ता के लिए कोई यहाँ पर रिश्तेदारी, कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। इस काल में मिलिट्री नहीं था, सिर्फ स्थायी सेना नहीं थी, और जब भी युद्ध होता था तो राजा कवाली टोली के साथ बैठकर पत्थर पर भोजन करता था, पत्ता पर, उसको पत्थर भी कहते हैं, और फिर वह युद्ध में जाता था। यहाँ पर कोई स्थायी सेना का यहाँ भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पर तीन प्रकार के कर मिलते हैं, बलि ऋग्वेद काल में था ही, बलि, शुल्क और भाग। राजा को षडभागी भी कहा गया, अर्थात 1/6 राजा को मिलता था। बलि जो था राजा को ऋग्वेद काल में स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन अब जो है यहां पर यह अनिवार्य कर दिया गया। और शुल्क आप कह सकते हैं कि वस्तुओं पर, चाहे इस सब पर लगाया जाता होगा जो ट्रेड होता होगा, लेकिन इस समय ट्रेड उतना नहीं होता था, लेकिन तीन प्रकार के कर आपको थे। कुल मिला के राजा 1/16 भाग कर के रूप में प्राप्त कर लेता था, जो काफी आपको लग रहा होगा। इस समय बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट राजा होंगे, ये ध्यान रखना होगा। देखिए, जो कुरु कबीला था, जो कुरु जनपद था, उसकी पहली राजधानी असंधिवाद थी। असंधिवाद का क्षेत्र है, आपको कह सकते हैं कि सतलज से यमुना तक क्षेत्र था, और कुरुक्षेत्र का मैदान जो है वह। लेकिन उसके बाद राजधानी चली आई हस्तिनापुर, जो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और फिर जब हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी आ गया। यह तीन जो राजधानी कुरु जनपद का था वह है। कौशाम्बी का खोज ननी गोपाल मजुमदार ने किया है। हस्तिनापुर का मैंने बता दिया है, इसलिए यहां पर नहीं बताऊंगा, या बता देता हूं, हस्तिनापुर बीबीलाल, ब्रजवासी लाल ने उसको उत्खनन किया था। इस समय आप देखिएगा, एक से एक दार्शनिक राजा हुए। जैसे अब बनारस में आप देखिएगा अजातशत्रु, ये भी काफी दार्शनिक राजा थे, मिथिला के विदेह और कैकेयी के अस्पति, ये सभी विद्वान राजा थे। लेकिन वैदिक काल का अगर कोई प्रतिनिधि राजा था, वैदिक काल का कोई प्रतिनिधि राजा था, राज्य था, वह था आपका पांचाल। पांचाल सबसे विकसित राज्य था, याद रखिएगा, पांचाल जो है सबसे विकसित राज था। और यहाँ का एक दार्शनिक राजा था प्रवाहन जैवली, यह सभी में सबसे इंपॉर्टेंट दार्शनिक राजा यही था। और एक बार की बात है कि श्वेत केतु एक छात्र थे, तो उनको दार्शनिक शिक्षा गुरु ने प्रदान किया, तो इनको काफी आप कह सकते हैं कि घमंड आ गया, कि उनको लगा कि मैं अब किसी दार्शनिक विषय पर मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। तो यह गए पांचाल के राजा प्रवाहन जैवली के पास। जैवली जी ने कहा कि अच्छा, आपको बहुत नॉलेज हो गया है श्वेत केतु जी, तो समिति के सामने, देखिए समिति, मैंने कहा कि समिति भी समाप्त नहीं हुआ है, बस उसका अब रोल चेंज हो गया, भूमिका बदल गया है, तो आप हमारे 5 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। श्वेत केतु जो उत्तर हो गया, मुंह लटका के राज्यसभा से वो निकल गए, समिति के सामने वह जवाब नहीं दे सके।
प्रभान जावली ने समिति को इसके लिए उत्तरदायी बनाया कि अगर वो जवाब देते हैं तो माना जाएगा, नहीं देते हैं तो नहीं माना जाएगा, या नहीं कि वहाँ पर वो अपने राजपद का उपयोग किए और आप कह सकते हैं कि तानाशाही का नहीं, वो समिति के सामने जो निर्णय होता है लोकतांत्रिक। ये आपका इस काल का, और ये जो प्रभान जावली है इनको शतपथ ब्राह्मण में काफी मतलब इनके बारे में वर्णन है और कहा गया कि ये वैदिक काल के प्रतिनिधि राजा है। यही है आपका राजत्व का सिद्धांत। मेरे ख्याल से यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और कल जो है उत्तर वैदिक काल का हम लोग समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, संस्कृति, धर्म और दर्शन पढ़ेंगे। कल नहीं, कल तो समाज ही पढ़ पाएंगे। आज लेक्चर इसलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं कि जो कल हम लोग लेक्चर लिए थे वो काफ़ी लंबा था, आप लोग को याद करने में दिक्कत होगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको याद करते चलिए। धन्यवाद।